हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडी आंसर हब यूट्यूब चैनल में। लिंग्विस्टिक्स में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज की, उसमें हम लोगों ने दो थियोरीज़ की बात कर ली है। आज हम तीसरे थियोरी की बात करेंगे। पिछले दो वीडियोस में ऐसा हुआ कि आवाज़ तो क्लियर है लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं है उसकी, तो उसके लिए मैंने PDF लिंक उसका उन दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद अब जब भी होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करे। ठीक है, चलिए तीसरे थियोरी शुरू करते हैं। द फिज़िकल एडेप्टेशन सोर्स। एडेप्टेशन समझते हैं अनुकूलन, यानी कैसे किसी चीज़ के लिए शरीर को अपने उसके अनुकूलित कर दिया जाए, उसके हिसाब से कर दिया जाए, वो होता है एडेप्टेशन। इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, एक होता है एडॉप्ट और एक होता है एडेप्ट। एडॉप्ट का मतलब गोद लेना, एडेप्ट का मतलब अनुकूलित करना। ठीक है, द फिज़िकल एडेप्टेशन सोर्स क्या कहता है, ये थियोरी क्या कहती है। Instead of looking at types of sound as the source of human speech, जैसा कि हम मानते हैं कि human speech, जो भी speech हम बोलते हैं, जो बातें हम करते हैं, कर पाते हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता है, अलग अलग तरह के sounds जो कि हम produce करते हैं, उन्हीं sounds को ultimately हम speech का form देते हैं। बात तो सही है, लेकिन इसे उस तरह से न देखकर अगर हम ऐसा समझें, वी कैन लुक एट द टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स ह्यूमन पसेस, ह्यूमंस पसेस। हमें ये देखना है कि क्या अलग अलग फिजिकल फीचर्स इंसानों में होते हैं, यानी शरीर में, इंसान के शरीर में अगर देखा जाए तो क्या कुछ अलग अलग फीचर्स नज़र आते हैं, स्पेशली दोज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्राम अदर क्रीचर्स, ख़ास करके वो फीचर्स जो कि अदर क्रीचर्स से, दूसरे जीवों से इंसान को अलग बनाते हैं। विच मे हैव बीन एबल टू सपोर्ट स्पीच प्रोडक्शन, वो फीचर्स जो कि इंसानों को हेल्प करते हैं स्पीच प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी अब हमारा फोकस इस बात पर होगा कि इंसान में कुछ ऐसे, उनके शरीर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि अडेप्टेड होते हैं स्पीच प्रोडक्शन के लिए, जो कि उन्हें स्पीच प्रोडक्शन के लायक बनाते हैं। ठीक है, वी कैन स्टार्ट विथ द ऑब्जर्वेशन दैट एट सम अर्ली स्टेज आर एंसेस्टर्स मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन टू एन अपराइट पोस्चर। हम इस बात को इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर शुरुआत करें इसको समझने की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, पहले वो चार पैरों पर चला करते थे। ठीक है, तो फोर लिम्ब्स होते थे, उसमें फोर लिम्ब्स में दो, जिसको फोर लिम्ब्स का देखो, देखिए एक होता है FOUR, फोर, फोर लिम्ब्स यानी चार पैर होते थे। उन फोर लिम्ब्स में दो जो होते थे वो फोर लिम्ब्स होते थे, FORE। ठीक है, और दो हाइंड लिम्ब्स होते थे। ठीक है, तो उसको फ्रंट लिम्ब्स भी कहा जाता है, बल्कि बेहतर होगा कि आप उसको फ्रंट लिम्ब्स ही कहें। तो फ्रंट लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स, तो जो दो फ्रंट लिम्ब्स हुआ करते थे, जिससे पहले हमारे एंसेस्टर्स चला करते थे, अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि नहीं, अब इसका यूज़ चलने के लिए ना किया जाए, अब इसका यूज़ किसी और चीज़ के लिए किया जा सकता है, दूसरे काम करने के लिए किया जा सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो झुक कर नहीं चलेंगे, बल्कि जो सामने वाले लिम्ब्स हैं, जो फ्रंट लिम्ब्स हैं उनके, उसको वो उठा देंगे और बाईपेडल, बाईपेडल का मतलब 2 feet लोकोमोशन शुरू करेंगे, यानी दो पैरों पर चलना शुरू करेंगे। एंड अ रिवाइज्ड रोल फॉर द फ्रंट लिम्ब्स, और अल्टीमेटली उन्होंने शुरुआत कर दी
कि जो फ्रंट लिम्ब्स है अब उनका रोल चलने में नहीं रहेगा, अब उनका रोल दूसरे कामों के लिए रहेगा। तो जैसा कि आप देखते हैं आज की डेट में हम अपने दो हाथों से क्या अलग अलग काम करते हैं हम, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से हम मान सकते हैं कि कैसे एक अलगाव की शुरुआत हुई, एक अलग फीचर डेवलप करने की शुरुआत हुई, कैसे उसको अडेप्ट किया गया समय के साथ। सम इफेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ चेंज कैन बी सीन इन फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द स्कल ऑफ गोरिल्ला एंड दैट ऑफ अ नियंडरथल मैन फ्रॉम 60,000 ईयर्स अगो। कह रहा है इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं, इस तरह के जो चेंजेस के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं फिज़िकल डिफरेंस में, शरीर के बनावट में, उसमें बदलाव में। ख़ास करके अगर हम जैसे बात करें गोरिल्ला का जो स्कल होता है, गोरिल्ला जिसको कहा जाता है कि इंसान के बाद सबसे बुद्धिमान अगर कोई जानवर है तो गोरिल्ला माना जाता है, तो उसका जो स्कल है और नियंडरथल मैन का जो स्कल है 60,000 ईयर्स अगो, उसमें क्या डिफरेंस है, वो उन डिफरेंस की स्टडी करके समझ में आता है कि कैसे कुछ चीज़ें अलग थी इंसानों में। अच्छा, नियंडरथल मानव की अगर हम बात करें, नियंडरथल ह्यूमंस की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के जो अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें के शुरुआती स्टेजेस में से आता है नाम नियंडरथल का। अगर आधुनिक मानव की बात करें तो वो उसका ठीक कह लीजिए कि उसके ठीक पहले जो एक स्टेज थी वो थी क्रोमैग्नॉन की, ठीक है, क्रोमैग्नॉन। तो क्या कह रहा है, सम इफेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ चेंज कैन बी सीन इन फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द स्कल ऑफ अ गोरिल्ला एंड दैट ऑफ अ नियंडरथल मैन फ्रॉम अराउंड 60,000 ईयर्स अगो। यानी 60,000 ईयर्स अगो अगर हम जाते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में पीछे, तो उस समय स्टेज क्या हुआ करता था, नियंडरथल मैन हुआ करता था। तो नियंडरथल मैन और गोरिल्ला के स्कल के डिफरेंस को हम देख सकते हैं। द रिकंस्ट्रक्टेड वोकल ट्रैक्ट ऑफ अ नियंडरथल सजेस्ट दैट सम कॉन्सोनेंट लाइक साउंड डिस्टिंक्शंस वुड हैव बीन पॉसिबल। कह रहा है जो वोकल ट्रैक्ट हुआ करता था नियंडरथल मैन का, जिस तरह से वो रिकंस्ट्रक्ट हुआ था उसको देख करके ये समझ में आता है कि शायद उस समय भी कुछ कॉन्सोनेंट लाइक साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता रही हो उनके अंदर। वी हैव टू वेट अंटिल अबाउट 35,000 ईयर्स अगो, कह रहा है, लेकिन हाँ हमें लगभग 35,000 साल पहले तक आना होगा, उसका वेट करना होगा समझने के लिए कुछ ऐसे फीचर्स के लिए, इन रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉसिलाइज्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स दैट बिगिन टू रिजेंबल दोज ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। अगर मॉडर्न ह्यूमंस के जो तमाम फीचर्स हैं उससे अगर मैचिंग फीचर्स हमें देखना है इंसानी स्टेज में, तो वो हमें 35,000 ईयर्स अगो जा कर के देखना होगा। कहाँ 60,000 ईयर्स अगो था, उस समय नियंडरथल मैन था, अब कहाँ 35,000 ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी करीब है मॉडर्न मैन के, तो वो कौन हुआ करता था, क्रोमैग्नॉन होता था, ठीक है। तो यानी जो क्रोमैग्नॉन मैन होता था उसके जो फीचर्स हैं वो हमको ज़्यादा मिलते जुलते नज़र आएंगे मॉडर्न ह्यूमंस के, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देयर आर सर्टेन फिजिकल फीचर्स, कह रहा है कि अगर हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात करें, जो क्रमिक विकास, इवोल्यूशन का मतलब देखिए, एक होता है डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं विकास, और एक होता है इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं क्रमिक विकास। तो इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देयर आर सर्टेन फिजिकल फीचर्स, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि कुछ सर्टेन फीचर्स हैं फिजिकल फीचर्स बेस्ट थॉट ऑफ एज अ पार्शियल अडेप्टेशंस, खास करके उन्हें अगर हम कहें कि वो पार्शियल अडेप्टेशंस हैं, यानी कुछ मामलों में कुछ चीज़ों के लिए वो चेंजेस हमको नज़र आएंगे, अडेप्टेशंस नज़र आते हैं, विच अपीयर टू बी रेलिवेंट फॉर स्पीच, जो कि उन्हें स्पीच के लिए रेलिवेंट बनाते हैं, यानी शरीर में होने वाले वो परिवर्तन, वो अनुकूलन, वो अडेप्टेशन जो उन्हें एबल बनाते हैं स्पीच प्रोडक्शन के लिए। दे आर स्ट्रीमलाइंड वर्जन्स ऑफ फीचर्स, कह रहे हैं कि ऐसे फीचर्स को कैसे हैं, वो स्ट्रीमलाइंड वर्जन्स हैं फाउंड इन अदर प्राइमेट्स, जो कि अदर प्राइमेट्स में भी पाए जाते हैं,
बाई देम्स, लेकिन बात यह है अंतर क्या है, बाई देमसेल्व्स सच फीचर्स वुड नॉट नेसेसरली लीड टू स्पीच प्रोडक्शन, लेकिन कह रहा है कि ये केवल फीचर्स होने भर से स्पीच प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता, बट दे आर गुड क्लूज दैट अ क्रीचर पजेसिंग सच फीचर्स प्रोबेबली हैज़ द कैपेसिटी फॉर स्पीच। लेकिन इसे ये समझ में आता है, इससे ये क्लू मिलता है कि शायद ऐसे फीचर अगर उनमें हैं तो उनमें स्पीच प्रोडक्शन करने की क्षमता है, दे कैन प्रोड्यूस स्पीच। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, साउंड प्रोड्यूस करना और स्पीच प्रोड्यूस करने में अंतर होता है, ठीक है। अगर आप जब जानवरों और इंसानों में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जानवर भी तो साउंड प्रोड्यूस करते ही हैं। देखिए, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो ये भी तो साउंड प्रोड्यूस कर ही रही हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्पीच। स्पीच और साउंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कुछ फिजिकल एडेप्टेशंस की, सो लेट्स टॉक ऑफ सम ऑफ दी यू नो ऑर्गन्स विच अल्टीमेटली यू नो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग स्पीच इन ह्यूमन बींग्स। टीथ, लिप्स, माउथ, लैरिंग्स एंड फैरिंग्स। देखिए, एक एक चीज़ को जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या उनके अगर कुछ कामों के बारे में हम बात करें तो हमें लगता है इनका काम तो यही है ना। जैसे मुंह की बात करते हैं, दांत की बात करते हैं, तो लगता है कि यहाँ इनका काम तो खाने का है ना। जैसे कान की बात करें, क्या लगता है आपको कान की आवश्यकता क्या है हमारे शरीर में? कान क्या हमें केवल सुनने में हेल्प करता है? कान का काम केवल सुनना नहीं है, कान का काम आपका बैलेंस बनाए रखना भी है। जी हाँ, देखा होगा कभी कभी, अगर मान लीजिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं सड़क पर और पीछे से अचानक कोई ट्रक या बस आए और वो तेज़ी से हॉर्न बजा दे तो आप की हैंडल घूमने लगती है, आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, वो तो डर के मारे होता है कि हम एक तरफ हो जा रहे हैं। आप एक तरफ ही चल रहे हैं, एक साइड ही चल रहे हैं, फिर भी आपकी हैंडल घूमने लगती है। क्यों? आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा साउंड मिलने पर, क्योंकि वहाँ पर आपके शरीर का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हैं ये चीज़ें, उसी तरह से मुंह दांत वगैरह की बात भी करें तो उनका काम केवल खाने में ही नहीं होता है, और भी चीज़ें हैं, ख़ास करके स्पीच प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है इनका। कह रहा है ह्यूमन टीथ आर अपराइट, जो इंसानों के दांत होते हैं वो अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, नॉट स्लैंटिंग आउटवर्ड्स लाइक दोज ऑफ एप्स, लंगूरों की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ नुकीला तिरछा नहीं होता दांत इंसान का, सीधा सीधा होता है। एंड दे आर रफली इवन इन हाइट, और कह रहा है कि इवन हाइट में भी वो रफली ही होते हैं। सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर रिपिंग और टियरिंग फूड, कह रहा है ये जो इंसानी दांत होते हैं, कह रहा है ये जो उसकी विशेषताएं हैं, जो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कह रहा है वो फूड के रिपिंग और टियरिंग फाड़ने के लिए, भोजन को फाड़ने वगैरह के लिए वो यूज़फुल नहीं होता। एंड सीम बेटर एडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग एंड चिविंग, कह रहा है कि वो चबाने रगड़ने, दांतों से उसको रौंदने, या कह लीजिए कि चबाने के लिए ये दांत ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा एडेप्टेड नज़र आते हैं। मतलब जैसे मांसाहारियों के दांत होते हैं स्पेशली, जो फाड़ने वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, इंसानी दांत को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि वो उन चीज़ों के लिए बने हैं, बल्कि फूड को चीव करने के लिए, फूड को एक और टर्म क्या दिया हुआ है, ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, चबाने के लिए दांत बने हुए नज़र आते हैं इंसानों के। दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग साउंड सच एज फ और व, ध्यान दीजिए एफ से फ होता है, फ पी एच रहता है तो वो फ होता है, हालांकि
फ साउंड को भी दिखाने के लिए अगर इंग्लिश में आएंगे, हाँ ठीक है, वो प के ऊपर पी के ऊपर एच लगा देते हैं जो एस्पिरेटेड साउंड हो जाता है, प से फ हो जाता है, फ फ प को ही एस्पिरेट करते हैं तो फ बनता है। यहाँ पर जो एफ लिखा हुआ है वो फ साउंड का लिखा हुआ है, जैसे फन होता है, फनी होता है, ठीक है, जैसे फूल होता है एफ ओ ओ एल, तो फ साउंड, तो फ साउंड। और जैसे पी ई एन जो होता है उसको बोलते हैं पेन, पेन पेन, वो पेन नहीं होता, प नहीं होता, प एस्पिरेट होकर के फ बन जाता है, पेन, ठीक है। जैसे टोमेटो है टी ओ एम ए टी ओ, तो उसमें वो पहला वाला जो ट है वो ट नहीं रह जाता, वो एस्पिरेट होकर के ठ हो जाता है, टोमेटो टोमेटो, ठीक है। तो उसी तरह से वो इस फ में, फ में और फ में अंतर होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फ की, फ, तो फ और व ये दो साउंड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, कौन, दांत। तो आप जान लीजिए कि फ और व ये जो दो साउंड हैं इनको लेबियोडेंटल्स कहा जाता है। लेबियोडेंटल्स का मतलब होता है दंत ओष्ठक, यानी जिसका उच्चारण करने में दांत और ओठों की भूमिका हो, लेबियोडेंटल्स, ठीक है। ह्यूमन लिप्स हैव मच मोर इंट्रिकेट मसल, कह रहा है इंसानी होठ जो होते हैं उसके जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा इंट्रिकेट होते हैं। इंटरलेसिंग, इंटरलेस का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीज़ आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो उसको इंटरलेस बोलते हैं, ठीक है। इंटरलेसिंग दैन इज़ फाउंड इन अदर प्राइमेट्स, कह रहा है कि इंसानी जो होठ है वो उसके मसल्स जो होते हैं वो इंट्रिकेट होते हैं और इंटरलेस करते हैं एक दूसरे को, खास करके इन कंपैरिजन टू अदर प्राइमेट्स। एंड दियर रिजल्टिंग फ्लैक्सीबिलिटी, और इससे जो एक फ्लैक्सीबिलिटी आती है होठों में, सडनली हेल्प्स इन मेकिंग साउंड्स लाइक प और ब, उससे क्या होता है कुछ साउंड्स जैसे प और ब साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। तो ये प ब साउंड जो हैं ये सब कौन से हैं, ये बाइलेबियल साउंड्स होते हैं, ठीक है, यानी जो दोनों होठों का यूज़ करके हम बोलते हैं उसको बाइलेबियल साउंड कहा जाता है। इसमें अगर आप फर्दर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प भ म, प फ ब भ म, बोलते वक्त आप देखिए, एहसास कीजिए आपके दोनों होंठ आपस में बार बार चिपक रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो ये बाइलेबियल साउंड्स हैं। तो कह रहा है कि ह्यूमन लिप्स में जो इंट्रिकेट मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प और ब जैसे साउंड को प्रोड्यूस करने में। द ह्यूमन माउथ, अगर इंसानी मुंह की बात करें, द ह्यूमन माउथ इज़ रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स, जो हमारा मुंह होता है, हमारा मुंह और प्राइमेट्स की अपेक्षा छोटा होता है। देख ही लीजिए, तुलना कर लीजिए गाय भैंस से, तो हमारा मुंह जो है वो क्या है, या इवन तुलना कर लीजिए हमारे लंगूर से, ऐप से तुलना कर लीजिए, मंकी से तुलना कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा मुंह उनसे छोटा होता है। कह रहा है कि कैन बी ओपन एंड क्लोज रैपिडली, और ये कारण है कि हम आसानी से इसको खोल और बंद कर सकते हैं। अदर प्राइमेट्स में ये दिक्कत है, अगर उनका मुंह बड़ा है तो उनको खोलने बंद करने में दिक्कत होती है। एंड कंटेंस अ स्मॉलर थिकर एंड मोर मस्क्यूलर टंग, और हमारा वो मुंह उसमें कह रहा है कि एक छोटा, अदर अगर प्राइमेट से तुलना कर लीजिए तो ऑब्वियस है कि हमारी जीभ छोटी नज़र आती है और मस्कुलर है, मोर मस्कुलर है, तो इससे क्या होता है जीभ के होने से, विच कैन बी यूज टू शेप अ वाइड वैरायटी ऑफ साउंड्स, और जीभ की, जीभ का जो ये स्ट्रक्चर है कह रहा है वो हेल्प करता है अलग अलग तरह के साउंड्स की वैरायटी को प्रोड्यूस करने में हमारे ओरल कैविटी में, मुख गुहा बोलते हैं इसको, ओरल कैविटी। इन एडिशन अनलाइक अदर प्राइमेट्स ह्यूमंस कैन क्लोज ऑफ द एयर वे थ्रू द नोज, कह रहा है कि एक चीज़ और है हमारे पास जो कि और प्राइमेट्स में नहीं है, कह रहा है हम एयर वे को क्लोज ऑफ कर सकते हैं नोज़ के थ्रू, क्रिएट मोर एयर प्रेशर इन द माउथ,
जिससे कि हम मुंह में ज़्यादा एयर प्रेशर क्रिएट कर सके। ये कुछ यूनिक फीचर है इंसानी नाक और मुंह का। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज स्मॉल डिफरेंसेस टेकन टुगेदर, कह रहा है कि ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं इन सभी को अगर साथ में लिया जाए, इज अ फेस विद मोर इंट्रिकेट मसल, कह रहा है कि इससे क्या होता है, हमारा एक ऐसा चेहरा बनता है जिसमें इंट्रिकेट मसल्स ज़्यादा होते हैं, इंटरलेसिंग इन द लिप्स एंड माउथ, जो कि लिप्स और माउथ में इंटरलेस करते हैं, कैपेबल ऑफ अ वाइडर रेंज ऑफ शेप्स एंड मोर रैपिड एंड पावरफुल डिलीवरी ऑफ साउंड प्रोड्यूस थ्रू दीज डिफरेंट शेप्स, और जिससे अल्टीमेटली ये सारे डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस इंसानी पूरे स्पीच प्रोडक्शन के जो ऑर्गन हैं उनको अलग बनाते हैं, जिससे कि अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करने में हमको हेल्प मिलती है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और, द ह्यूमन लैरिंग्स, जो लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसको हम कंठ बोलते हैं, एडम्स एप्पल नाम सुना होगा, कह रहा है द ह्यूमन लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स क्या होता है, कंटेनिंग द वोकल फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स, जिसमें वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं उसे हम वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं। कह रहा है कि डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन पोजिशन फ्रॉम द लैरिंग्स ऑफ अदर प्राइमेट्स सच एज मंकीज, अदर प्राइमेट्स में जो पोजीशन होती है लैरिंग्स की, कंठ की, वॉइस बॉक्स की, उससे हमारी पोजीशन अलग होती है। अदर प्राइमेट्स जैसे मंकीज़ में लैरिंग्स की जो पोजीशन होती है, हमारे शरीर में उसकी पोजीशन अलग होती है। इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट द अजम्पशन ऑफ एन अपराइट पोस्चर मूव द हेड मोर डायरेक्टली अबव द स्पाइनल कॉलम, कह रहा है कि जब ह्यूमन फिजिकल डेवलपमेंट में जब हमने ये एज्यूम किया कि कैसे अपराइट पोस्चर में आना है, तो हमारा जो सिर है वो ज़्यादा ऊपर हो गया, डायरेक्टली अबव द स्पाइनल कॉलम के ऊपर चला गया, एंड लैरिंग्स ड्रॉप टू अ लोअर पोजिशन, और जो लैरिंग्स है उसकी वो थोड़ा नीचे चला आया। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ लॉन्गर कैविटी कॉल्ड द फैरिंग्स, और इस तरह से जो हेड है और जो लैरिंग्स है इन दोनों में एक लंबा गैप हुआ और इससे एक लॉन्गर कैविटी बनी जिसको बोलते हैं हम फैरिंग्स। ठीक है, अबव द वोकल फोल्ड के ठीक ऊपर फैरिंग्स है। ठीक है, विच एक्ट्स एज अ रेजोनेटर फॉर इंक्रीज रेंज एंड क्लैरिटी ऑफ द साउंड्स, जिससे क्या होता है, ये फैरिंग्स क्या करता है, एक रेजोनेटर की तरह काम करता है, जिससे कि एक बड़े रेंज की और क्लियर साउंड्स प्रोड्यूस होती है वाया द लैरिंग्स एंड द वोकल ट्रैक्ट, लैरिंग्स और वोकल ट्रैक्ट से होकर के। तो ये उसकी स्पेशल पोजीशन जो है हेल्प करती है वैरायटी ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करने में। कह रहा है वन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट इज़ दैट, इस डेवलपमेंट का एक अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस है, एक इसका दुष्परिणाम हुआ, बुरा प्रभाव क्या पड़ा, द लोअर पोजिशन ऑफ द ह्यूमन लैरिंग्स मेक्स इट मच मोर पॉसिबल, ह्यूमन लैरिंग्स की जो पोजिशन नीचे है इससे क्या होता है, फॉर द ह्यूमन टू चोक ऑन पीसेज ऑफ फूड, इससे कभी कभी गला रुंध जाता है, घुटने लगता है, कुछ अगर फंस जाए गले में खाते समय तो वो उसके चोकिंग की संभावना ज़्यादा होती है इंसानों में, जो कि जानवरों में कम होता है। कह रहा है मंकीज़ मे नॉट बी एबल टू यूज़ देयर लैरिंग्स टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स, कह रहा है हो सकता है कि मंकीज़ अपने लैरिंग्स का इस्तेमाल भले न करें स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में, बट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फूड स्टक इन देयर विंड पाइप, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप के लिए एक और टर्म है इंग्लिश में ट्रैकिया, TRACHEA। कह रहा है कि ये बात अलग है कि भले लैरिंग्स उनके हेल्प न करें मंकीज़ को स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में, लेकिन उनमें फूड स्टक की भी समस्या नहीं होती उनके विंड पाइप में। ठीक है, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स देयर मस्ट हैव बीन अ बिग एडवांटेज इन गेटिंग दिस एक्स्ट्रा वोकल पावर, इवोल्यूशनरी टर्म में अगर बात करें तो कह रहा है कि बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ा एडवांटेज मिला है इंसानों को एक्स्ट्रा वोकल पावर मिल जाने से, लार्जर रेंज ऑफ साउंड डिस्टिंक्शंस कर सकता है इंसान, टू आउट वे द पोटेंशियल डिसएडवांटेज फ्रॉम द इंक्रीज रिस्क ऑफ चोकिंग ऑन टू डेथ, खास करके अगर ये जो चोक करके मरने वाली जो एक समस्या है इंसानों में उसको
धता बता करके या यूँ कह लीजिए कि उसके ऊपर जा करके उसको हटा करके उसकी संभावना को कम करके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, उसको इंसानों ने लिए हैं समय के साथ और इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया भी है इंसान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ऑब्वियस है कि जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि नेगेटिव को कम से कम किया जाए, पॉजिटिव को ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया जाए, तो ऑब्वियस है कि हम ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ सर्टेन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से उनमें अडेप्टेशन हुए हैं, वो भी उससे भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारा फिजिकल फीचर ही कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल अलग है औरों से, अदर प्राइमेट से, जो कि हमें अलग बनाता है, जो कि हमें स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में अदर थियरीज की बात की जाएगी। धन्यवाद।